हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था, एक्सरसाइज 3.3 मैंने कंप्लीट कवर करवाया था, राइट। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले किए हुए। चैप्टर 3 का है प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 को इंटायर कंप्लीट करेंगे बच्चों। और ये जो है अपने चैनल का नाम है हर्ट्स एकेडमी, राइट। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं आज का पहला स्लाइड में पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये फाइंड द कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि पहले फैक्टर्स क्या होता है ना, फैक्टर क्या होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो क्या होगा, आप इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर इट मींस कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, दैट मींस यहाँ पे जो फैक्टर है इसको समझना है। फैक्टर क्या होता है, those number which is divisible, exactly divisible of that number is known as a factor. जैसे चलिए मैं करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। जैसे हमें कह रहा है इसको सॉल्यूशन करना है, तो क्या है इसका कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। देखो 20 का फैक्टर कौन कौन नंबर होगा, तो 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ये ध्यान रखना। तो देखो 20 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड करके देखो 3 से हो रहा है क्या, नहीं होगा। 4 से, यस 4 से हो जाएगा। 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। 7 से, 8 से नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा बच्चों, एंड 20। तो इससे क्या होगा ये, अब देखो समझ आया कि फैक्टर क्या होता है। मतलब 1 से भी डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी करोगे, 5 से भी करोगे, 10 से भी करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 20 से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, 28 का फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 28 का फैक्टर लिखो। 28 किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा, 8 तो 10, 3 से नहीं होगा, 4 से हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, 8 चौक 32, ठीक है, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से 56, 6 नहीं, 6 से 24 नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 27, 7 चौक 28, 27, राइट, 7 से हो जाएगा, 27, 7 चौक 28, ठीक है, 8 से, 32 नहीं होगा, 9 × 9 = 28, 27 नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, राइट, 12 × 24 नहीं होगा, 13 × 26, 14 × 28, 14 से हो जाएगा, एंड 28। तो ये बच्चों क्या है, आपको ऐसे ही नंबर का पहले फैक्टर लिखना है, ठीक है। और फिर अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब इस दोनों में से क्या करोगे, कॉमन फैक्टर को आप बाहर निकालोगे, आपको कह भी यही रहा है, तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्या है, 20 एंड 28। तब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहला बात तो 1 आ रहा है बच्चों, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 1 आ जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा देखो 2 दोनों में आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 इसमें भी आ रहा है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और देखो क्या आ रहा है, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 28 नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, तो 20 एंड 28 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1, 2 और 4 होगा। ऐसे ही आपको पहले नंबर का फैक्टर लिखना पड़ेगा, और जितने नंबर दे रखे, 2 दे रखे, 3 दे रखे, 4 दे रखे, और फिर उसमें से आपको कॉमन निकालना है। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़े। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसी का अगला पार्ट है बच्चों, 15 एंड 25। तो 15 एंड 25 का क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 का अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1।
तो वन क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, राइट ठीक है। आप देखिए 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 5 से हो जाएगा, यस। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से ही होगा, ठीक। अच्छा अब आपको क्या करना है, फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 20, तो 25 का फैक्टर लिखूं, तो 25 का फैक्टर क्या होगा, 1 से तो होगा ही होगा, 3 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, 25 से ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हमने लिख दिया फैक्टर, 15 का फैक्टर लिख दिया, 25 का फैक्टर लिख दिया। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो चलिए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है, तो आपको क्या लिखना है, 5। तो ये 1 और 5 क्या होगा, आपका आंसर निकल के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 और 5 ही आ रहा है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़े, ओके। अच्छा अब इसका सी पार्ट में देखो, 35 एंड 50, राइट। 35 एंड 50 का क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस है, क्या करना है, पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। तो चलिए कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर ऑफ 35। तो 35 का अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा, 1। अच्छा आप देखिए 3 से कट रहे क्या, 3 से कट रहे क्या, नहीं ना, 5 3 8, 8 3 के टेबल में आता नहीं कटेगा, 4 से, तो 4 से तो कटेगा नहीं, 8 6 32 नहीं, 5 से कट जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद 6 5 30 नहीं कटेगा, 7 7 5 35 कट जाएगा जी, ठीक है। आप देखो 8 से, 8 5 4 नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 9 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
से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, है ना, 17 दुने 34 नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 17 ओके, 17 दुने 34 18 से नहीं कटेगा बच्चों, तो आप 35 भी लिखो, है ना, क्या लिख दो, 35 लिखो। ये चीज आपको चेक करना है। इससे पहले ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा डिविजिबिलिटी का, तो वो वीडियो जरूर देखना जहां पे मैंने आपको 1 से लेकर के 15 तक के नंबर बताए कि किस नंबर से कौन से डिविजिबल हो जाएगा, बिना डिवाइड किए हुए ही आप बता पाएंगे, तो वीडियोस आप जरूर देखना, जैसे कि आपको ये सारे जो फैक्टर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके चलिए, तो ये आ गया, अब आपको क्या करना है, 15 तो फैक्टर ऑफ 50 का अगर आप फैक्टर लिखते हो तो पहले तो 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा। अब आप इसमें देखो 3 से हो सकता है क्या, नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 लिखो, ठीक है जी। अब आप उसके बाद देखो 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, अच्छा आप देखो 15 से नहीं होगा, है ना, 25 से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो 15 ही हो। अब आप इसमें कॉमन फैक्टर लिख दीजिए, कॉमन फैक्टर, तो देखो बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, तो दोनों में सेम होगा, तो दोनों में सेम तो 1 है तो 1 लिखिए, फिर क्या है 5 है तो 5 लिखिए, और क्या है, और तो पूछा ही नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है जी, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर, समझ रहे हो बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फैक्टर आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, अगर आप फैक्टर अच्छे से लिख लेते हैं ना तो कॉमन तो आपको पता है, दोनों में से आपको चुनना है कि दोनों में जो सेम होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, अच्छा इसका डी पार्ट भी है बच्चों, तो चलिए डी पार्ट कर लेते हैं सॉल्व, प्रोसेस तो वही है, फैक्टर लिखना है आपको, फैक्टर ऑफ 56 का फैक्टर लिखते चलो, किस किस से होगा, 1 से हो जाएगा बच्चों, 2 से हो जाएगा, 6 5 11 है ना, ये 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 से करके देख लो, डिवाइड करके चेक कर लो, 4 से आप डिवाइड करके देख लो, 8 5 40 68 68 56, हाँ हो जाएगा बच्चों, 4 से हो जाएगा,
पांच से नहीं होगा, छह से छप्पन छत्तीस, छत्तर छह छह से बिहार चौथ अड़तालीस, चौदह में चौवन, छह से भी नहीं होगा, सात से नहीं होगा, आठ से होगा, चौवन, नौ से नहीं होगा, दस से भी नहीं होगा, ग्यारह से भी नहीं होगा, बारह से नहीं, बारह जो बढ़ते चौतालीस, बारह पंच बारह से नहीं होगा, तेरह से भी नहीं होगा, चौदह चौदह अठाईस चौतीस बयालीस, चौदह चौका छप्पन, चौदह से हो जाएगा बच्चों, ठीक है, चौदह से हो जाएगा, चौदह चौका छप्पन, ठीक है, उसके बाद पंद्रह से नहीं होगा, सोलह नहीं होगा, सोलह को बत्तीस नहीं, सोलह से भी नहीं होगा, सत्रह इक्यावन, अठारह से भी अठारह चौवन नहीं होगा, उन्नीस से सत्तावन, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, बीस, बीस से भी नहीं होगा, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, पच्चीस से भी नहीं होगा, पच्चीस दूनी पचास छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, अट्ठाईस से हो जाएगा बच्चों, है ना, अट्ठाईस से हो जाएगा, एंड एंड क्या करना है, फिफ्टी, सॉरी फिफ्टी सिक्स, तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर लेना, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक भी हो जाए, तो ऐसे ही आपको फैक्टर लिखना है, फैक्टर आपको समझ आनी चाहिए कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर समझ आ गया ना, कि वो नंबर जिससे उस नंबर को अगर डिवाइड करते तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा है ना फैक्टर, इसमें से किसी भी नंबर से अगर आप 56 को डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड देयर फैक्टर, अंडरस्टैंड, गुड, चलिए अब आपको क्या लिखना है, 120 का फैक्टर लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 120, देखो बच्चों 120 बड़ा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन इसका फैक्टर होगा ही, टू फैक्टर होगा, थ्री भी फैक्टर होगा, फोर भी फैक्टर होगा, राइट, फाइव भी फैक्टर होगा, सिक्स भी फैक्टर होगा, है ना, चलिए इस नंबर से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, अच्छा आगे की नंबर देख लेते, सिक्स से सेवन से, सात दो चौदह नहीं होगा, आठ से, आठ से भी नहीं होगा, ठीक है, नौ, नौ से भी नहीं होगा, दस, दस से हो जाएगा, दस से हो जाएगा बच्चों, ग्यारह से नहीं होगा, बारह से भी हो जाएगा, राइट, और उसके बाद देखो ऐसे नंबर और भी आएंगे बट कॉमन नहीं आएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ऐसे और भी नंबर्स आएंगे, 12 से हो जाएगा, उसके बाद आप इनको देखते हो 15 से भी हो जाएगा, है ना, तो इस तरीके से 15 अट्ठे 120, है ना, तो अच्छा इसमें 15 अट्ठे 120 तो 8 से भी होगा, है ना, तो 8 से भी होगा, ये आपको लिख देना 15 अट्ठे 120, है ना, उसके बाद 15 से भी होगा, तो ऐसे करके आप चेक कर लेना, राइट, ऐसे चेक करने लगे तो आपको टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना बात को कि कैसे करना है, तो आप इस तरीके से लिख दो, अब आप इसमें से कॉमन देख लो, कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, देखो वन आ रहा है, ठीक है जी, टू आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फोर आ रहा है, फोर लिख दिया, फिर क्या है, वन आ गया, टू आ गया, फोर आ गया, ओके, वन आ गया, टू आ गया, फोर आ गया, ठीक है, अब आप देखो और मिलाओ इसमें क्या आ रहा है, अच्छा एट आ रहा है तो एट लिख दीजिए, सिक्स तो नहीं है ना, नहीं है, बाकी तो इस तरीके से ही होगा, ठीक है, तो वन टू, वन टू फोर एट, मतलब एट का जो मल्टी, यानी टू का जो मल्टीपल दिख रहा है, टू फोर आ गया, एट आ गया, इसी के मल्टीपल जो आपको दिख रहा है, ये आपका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो फैक्टर आप इसी तरह से लिख लेंगे, कितने बड़े नंबर्स हो आप उनका फैक्टर लिख लो, है ना, जैसे 56 है उसका फैक्टर लिख दीजिए, 20 का फैक्टर लिख दीजिए, और दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना वो पार्ट आप लिख दो, दैट इज योर आंसर, अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़े, ओके, अच्छा अब कह रहे फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, अच्छा अब देखो यहाँ पे तीन नंबर दे दिया, इससे पहले आपको दो नंबर दे रखे थे, अब आपको तीन नंबर दे दिया, तो तीन नंबर में भी वही कंडीशन अप्लाई करना है कि पहले तीनों नंबर का फैक्टर लिखना है और फिर उसके बाद उसमें तीनों में से जो कॉमन पार्ट होगा उसको आपको लिख देना है, ना, चलिए तो एक एक करके कर लेते हैं सॉल्व, देख लो, फैक्टर ऑफ फोर, फोर का फैक्टर करोगे तो क्या होगा बच्चों, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और फोर ही आएगा, ठीक है, अच्छा फैक्टर ऑफ एट, तो
क्या होगा, 1, 2, 4 और 8 आ जाएगा। फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 1, 2, 4, 6 12 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन फैक्टर, तो देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो तीनों में सेम आना चाहिए, समझ रहे हो बात, तो तीनों में सेम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाए। बाकी देखो 8 भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1, 2, 4 क्या होगा, ये तीनों नंबर में, अगर आपको 3 नंबर दे रखे ना तो 3 नंबर में चेक करेंगे, अगर 4 नंबर दे रखा है तो 4 में चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 में सेम आ गया तो हमारा कॉमन आ गया, ऐसा नहीं होगा, सभी में सेम आना चाहिए, और सभी में सेम आता है तब जाकर के आपका आंसर करेक्ट होगा। समझ आया, ठीक है, चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, अगला पार्ट कह रहे हैं 15, 5, 15 and 25, राइट, तो इसमें भी वही पार्ट करना है, तीनों को अलग अलग फैक्टर निकाल लो पहले, फैक्टर ऑफ 5, तो देखो बच्चों 5 का जो फैक्टर होगा ना, 1 और 5 ही निकल के आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 का फैक्टर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, फैक्टर ऑफ 25 का अगर आप फैक्टर लिखते तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 25 ही आ जाएगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा ही नहीं, ठीक है ना, तब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 5 ही आ रहे, तो आप सिंपल लिख दीजिए, कॉमन फैक्टर्स है ना क्या है, 1 और 5, तो दिस इज योर आंसर, क्या निकल के आ जाएगा, 1 और 5 जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा किसका, 5 का, 15 का और 25 का, ये आपका आंसर निकल गया, तो ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ, अच्छा अब आपको क्या कह रहे बच्चों, 3 मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल एक तरह से हो गया है ना, कि 6 का टेबल लिख लेना, 8 का टेबल लिखना है, और उसमें से आपको क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल होना चाहिए बच्चों, है ना, यहाँ पे वो लिखा नहीं है, आपको क्या लिखना है, फाइंड फर्स्ट कॉमन होना चाहिए, राइट, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन, यहाँ पे कॉमन वर्ड आएगा है ना, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, 3 कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 6 का टेबल लिख लो है ना, फिर 8 का टेबल लिख लो, टेबल तो आपको पता ही है, या फिर आप यहाँ पे लिख दो मल्टीपल, MUL मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 1 6, 6 2 12, आप चाहे तो और भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल किसी भी नंबर का बच्चों इनफाइनाइट होता है ना, मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का इनफाइनाइट होता है, तो जितना आपको नीड है आप उतना लिख सकते हैं, राइट, तो मैंने 10 तक लिखा है, क्योंकि जनरली आप 10 तक पढ़ते भी हो, आगे नीड होगा तो और लिख लेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का लिख दो, इस तरीके से 8 का मल्टीपल लिख दीजिए, ठीक है, 8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 9 72 8 10 80, ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, है ना, क्या होगा यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स होगा, तो आप इसमें से सबसे पहला कॉमन मल्टीपल देखो क्या आ रहा है, राइट, पहला अगर कॉमन मल्टीपल देखा जाए बच्चों तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 24 लिखना है, तो आप यहां लिखेंगे फर्स्ट 3
कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, तो पहला तो 24 आ रहा है, ठीक है, दूसरा 48 आ जाएगा, ठीक है, तो 48 आ गया, तीसरा 72 आ जाएगा, तीसरा 72। अब देखो 6 का टेबल को और भरो, 6 6 36 है ना, 72, तो ये 72 आ जाएगा, तो 72। आपको क्या करना है, 3 तो लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3। अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, तो देखो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक से सॉल्व करना है तो पहले क्या करोगे, 6 का मल्टीपल लिखो और 8 का मल्टीपल लिखो, और उसमें देखो आप कि सबसे पहले कौन डिजिट कॉमन आ रहा है मल्टीपल के केसेस में, सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको एक नंबर पता चल गया, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 24 लिखा, ठीक है, 24 का आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला लिख देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ले देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे लिख देंगे, बट हमें क्या पूछ रहा है, 3 तक ही पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, 24 48 और 72। और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि आप देखो कैसे लिखे जाते हैं, है ना। आगे के इस क्वेश्चन में हम ये ट्रिक्स के हेल्प से कर लेंगे, पहला एक कॉमन मल्टीपल लिख देंगे, उसके बाद उसमें मल्टीपल करके हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब 12 का बी पार्ट का देख लेते हैं। बी में देखो अगर मल्टीपल लिखते हो, मल्टीपल ऑफ 12, देखो 12 का 12 12 24 है ना, 12 36 12 44, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब 18 का टेबल मल्टीपल ऑफ 18, 18 का 18 18 36 18 54 18 72, कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या बोला कि दोनों का मल्टीपल हमने 2 4 लिखा, अब उसमें हमें देखना है कि पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, बस उसको हमें चुन लेना है, उसके बाद आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है बच्चों, है ना, क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, तो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो देखो पहला तो हमारा क्या आ गया, 36 आ गया, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 दुने क्या हो गया, 72, फिर 3 से करो तो क्या हो गया, 101 हो जाएगा, तो आपको 3 लिखना है, ठीक है, 3 आ गया, समझ रहे हो कि नहीं। पहला आपको पता चलना चाहिए, तो पहला हमारा 36 आ गया, तो दूसरा क्या होगा, 36 into 2, है ना, क्या हो जाएगा, 72, तीसरा 3 नहीं लिखना हमें, तो 36 इंटू क्या हो जाएगा, 3 108 आ जाएगा, समझ रहे बात। तो आपको पहला पता चलना चाहिए, और फर्स्ट आपको पता चल गया तो बाकी का तो आप आसानी से निकाल ही लोगे विद द हेल्प ऑफ ये जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, एक ट्रिक्स बताया, ये इसको यूज करके आप आसानी से निकाल सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, अच्छा अब क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स 3 and 4। अच्छा देखो अब आपको क्या है कि 100 तक अगर आप 3 का टेबल आप 100 तक लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 का टेबल लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यही ट्रिक्स आपको अपनाना है। अभी मैंने क्या बताया कि आप जो नंबर्स है उसका आप मल्टीपल लिखो, तो 3 का मल्टीपल लिखो, 4 का मल्टीपल लिखो, और उसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखो, और जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया उसका मल्टीपल लिख दो 100 के नीचे, दैट इज योर आंसर, अंडरस्टैंड, आया समझ में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मल्टीपल, राइट, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का है ना, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, राइट, चलता चला जाएगा, 100 के नीचे तक लिखना, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि कॉमन ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 × 8 4 3 12 4 4 16, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है आपके पास, देखो 12 आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 12 का मल्टीपल लिख देना, दैट इज योर आंसर, राइट, तो आप यहां पे लिखिए, ठीक है, मल्टीपल्स, राइट, मल्टीपल ऑफ 12 लिखो,
तो क्या हो जाएगा, पहला 12 हो जाएगा, 12 दुनी 24 राइट, प्रत्येक 36, 48, 25 60, 72, 84, 96 राइट। तो देखो ये आपका क्या होगा, 4, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96, दिस इज योर आंसर्स राइट। ये वो नंबर्स हैं जो 3 का मल्टीपल भी है और 4 का भी मल्टीपल है, समझ रहे बात को। 12 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 24 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, आप इसे चेक कर सकते हो, समझ रहे बात को। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, अगर ऐसे लिखेंगे तो काफी ये बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिक्स निकाला, हमें क्या करना है, 4 का मल्टीपल लिख देना है, 3 का मल्टीपल लिख देना है, उसमें से जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा उसका टेबल लिख देना है और वो आपके आंसर्स होंगे। कहां तक लिखना है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन ये कह रहे हैं लेस देन 100 तक, तो इसीलिए हमने 96 तक ही लिखा, इससे आगे भी होगा, इससे आगे भी होगा क्योंकि मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर तक होता है राइट। बट हमें कंडीशन दे रखा था कि आप लेस देन 100 तक लिखो, ऑल द नंबर्स लेस देन 100, जितने भी नंबर लिखो वो 100 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा वो नंबर्स है, समझ आया क्या, क्लियर हुआ अच्छे से, दैट्स गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर आर को प्राइम्स। अच्छा देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच हैज वन कॉमन फैक्टर, जिसमें एक कॉमन फैक्टर होता है ना उसको हम लोग क्या बोल देंगे, को फैक्टर्स यानी को प्राइम नंबर, यानी आप ये कह सकते हैं को प्राइम नंबर जो होगा ना बच्चों, इसका जो होगा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर अगर वन आता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर से राइट। यानी हमें ये दो नंबर दे रखा है तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा, एक बार अगेन रिपीट कर लो, दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो वन आना चाहिए, अगर वन आता है तो वो नंबर जो है वो को प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझ आया क्या, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 18 दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, 35। तो चलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ 18, तो फैक्टर ऑफ 18 लिखना है, फैक्टर लिखना, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फैक्टर लिखा जाता है, तो सेम आपको फैक्टर लिख लेना है, पहले 1 से कट जाएगा जी, 2 से भी हो जाएगा ठीक है, उसके बाद 3 से भी हो जाएगा ओके, उसके बाद देखो जी 4 से होगा 9 नहीं होगा जी, 4 से 8 से 12 से 20 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा और 18 से होगा ठीक है। अब 35 का फैक्टर लिखो, फैक्टर ऑफ 35, तो 35 का फैक्टर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 से होगा नहीं, 5 से 8 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा है ना, उसके बाद क्या होगा बच्चों, 7 दुनी 14 दुनी 28 नहीं होगा, 17 दुनी 34 18 दुनी 36, तो ये क्या होगा बच्चों, 35 से होगा ठीक है। अच्छा अब आप इसमें कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, 1 ही आ रहा है ना, 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमने अभी क्या बताया कि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वो नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होगा, क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो अब इस नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो आप इसको टिक लगा दीजिए कि ये जो है 18 और 35 जो है वो को प्राइम नंबर्स है, क्यों है, रीजन आप दे दीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया, समझ आया क्या, ठीक है। अच्छा आप वो इसी तरीके से 35, 15 और इसका भी चेक करना है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी नंबर होगा ही राइट। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, 15 है 37, तो पहले 15 का आपको फैक्टर लिखना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा ठीक है।
37 का अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए 1 तो आएगा ही बच्चों, और उसके बाद क्या होगा 37 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 37 प्राइम नंबर्स है तो इसमें तो है ही नहीं, देखो 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो CF क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो CF क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और जब CF 1 आता है, कॉमन फैक्टर 1 आता है तो क्या आता है, को प्राइम नंबर्स होता है, तो ये भी 5 जो है वो को प्राइम नंबर्स होगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से, तो यही देखो बच्चों आपको पहले फैक्टर को अच्छे से आने चाहिए राइट, उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए, तो ये आपने पहले सीखा, अब उसी में आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा था राइट। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं क्या है, अच्छा वही सेम पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स आर को प्राइम नंबर, अच्छा इसमें से कौन से को प्राइम नंबर्स है, देखो 30 है एंड 415 है, तो यहाँ पे देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। अब आप कह रहे होगे सर आपने सॉल्व किया नहीं कैसे बता दी, तो देखो ना ये देखो हमने क्या बताया कि को प्राइम नंबर होने के लिए कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट इसका अगर फैक्टर करोगे तो 5 से तो ये होगा ही होगा, और ये देखो लास्ट में 5 है तो ये भी होगा, तो समझ रहे बात को, तो ये क्या होगा को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 1 से ज्यादा है। आप सोचोगे कैसे, देख लो ना मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, पहली बात तो देखो बच्चों 1 तो सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता ही है, ठीक है अच्छा, अब देखो 5 से इसको डिवाइड करो 6 आ जाएगा, ठीक है तो 5 हो गया, और इसे भी 5 से करो तो हो गया ना, तो 1 और 5 तो आ गया। मैंने क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 के अलावा अगर आ जाता है तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया, आप चाहो तो फैक्टर लिख देना, फैक्टर मैंने बहुत बता दिया आपको कैसे फैक्टर लिखने हैं, तो आप 30 का फैक्टर लिख सकते हो, 415 का फैक्टर लिख सकते हो, फिर आप कॉमन निकाल लेना, फिर चेक कर लेना, या अगर आपने डायरेक्ट सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हमें चुनना सॉल्व करके दिखाना नहीं है, इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 17 है बच्चों, 17 ये भी नहीं होगा, देखो कैसे नहीं होगा, आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हो सर, देख लो ना चेक कर लो, चेक करो 17 का अगर आप करते हो बच्चों तो क्या होगा, 1 तो होगा ही और 17 होगा जी, और अगर 68 को करोगे ना तो देखो 1 तो होगा ही होगा है ना, 2 भी होगा राइट, 8 10 8 ये हो जाएगा आपका 8 ठीक है 14, तो ये आपका 3 से नहीं होगा, 17 से भी होगा है ना, देखो ना 17 से भी होगा, 17 के टेबल में आ रहा है, तो एक नंबर ये आ गया, दो नंबर आ गया, जब दो नंबर आ जाता था तो को प्राइम नंबर होगा ही नहीं, सिर्फ ओनली 1 आना चाहिए तब जाकर ये क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये भी को प्राइम नंबर आपका नहीं होगा राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर, अच्छा इसमें से कौन से को प्राइम नंबर है, वही सेम पार्ट है इसका है ना, ई है और एफ पार्ट भी आपको दे रखा है, सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए इनको सॉल्व करेंगे, 216 है और ये कितना है, अच्छा ये देखो बच्चों आपको पहले क्या करना है, 216 का फैक्टर लिखना है, ये 1 से भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा राइट। अब उसके बाद चेक करो, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 216 को है ना, आप 5 से तो होगा नहीं, 6 से 2 से हो गया, 3 से हो गया, तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है 8 से करके देखो, 8 2 16, 8 से डिवाइड करके देखो तो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो तो 8 का 8 ये हो जाएगा, 8 2 16, 8 2 16 आ जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा 8 7 56, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है 9 से, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए 215 का चेक करके देख लेते हैं, 215 का किससे हो जाएगा बच्चों, ये डायरेक्ट क्या होगा 5 से, 1 से तो होगा ही होगा, उसके बाद 5 से करके देखो, 5 से अगर हम करके देखते हैं तो 5 चौक 20 और ये 5 के 15 43 आया, 43 किसी के टेबल में आता नहीं है बच्चों, प्राइम नंबर से, तो देखो ये भी, तो एक तो फैक्टर आ रहा है कॉमन फैक्टर, ये आया कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ये 43 किसी के टेबल में आता ही नहीं क्योंकि इसमें कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है तो 1 इसमें भी आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट भी आने चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है
तो आप इनको देख करके भी एनालाइज कर सकते हैं कब, जब आप एक दो बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर क्या है और आप इनको कैसे लिख सकते हो। देखो मैंने किया, इनको सॉल्व कर दिया और 88 तक मैंने लिखा, बट और भी फैक्टर होगा। बट फिर मैंने जब इसको किया तो 1 आया, 43 आया, और 1 और 43 यानी 1 तो इसमें आ जाएगा लेकिन 43 इसमें कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता है कि फैक्टर होता ही नहीं, तो इसीलिए आपको 1 कॉमन फैक्टर आ गया। और जब 1 कॉमन फैक्टर आ गया, यही तो हमारा आंसर ये था, हमारा मोटो यही है कि हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर 1 लाना है। अगर 1 आ रहा है तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होगा, अगर 1 नहीं आ रहा तो को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, दैट्स इट, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो 81 है एंड 16 है, तो 81 का फैक्टर कर लो आप पहले। 81 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए देखिए, 1 तो होगा ही होगा, 3 होगा, ठीक है, 2 से तो होगा है ना, नहीं होगा, 3 से हो गया, 6 से होगा, 6 से अगर आप उसको करोगे 6 से नहीं होगा, राइट, 9 से तो होगा ही होगा, ठीक है जी, उसके बाद देखो जी 9 से हो जाएगा, ओके ओके, अब उसके बाद 10 से नहीं होगा, ठीक है, 27 से 81 27 से हो जाएगा, ठीक है, 27 से 81, ठीक है, चलो ये आ गया। अब 16 का लिख लेते हैं, 16 का क्या क्या होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 8 2 16 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो अब आप इसमें चेक करो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, यहाँ और भी हो सकता है बट मैंने ये लिखा, तो देखो 1 ही आ रहा है ना कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें 1 अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, अगर 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर्स होता है। क्लियर हुआ? दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। अच्छा, वो कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 by which others will that numbers be always divisible by इतना। अच्छा, आपको कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है, राइट, वो कौन सा नंबर है जिसे 5 से डिविजिबल करें और 12 से डिविजिबल करें तो वो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखो 5 से उस नंबर में डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, 12 से करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो क्या करो, तो 5 और 6 का क्या करो, आप एलसीएम ले, यानी 5 और 6 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर आप लिखते हो, एलसीएम लिखते हो किसका, 5 एंड 12 का, तो क्या निकल के आएगा, तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 5 12 जा, राइट, 5 12 जा क्या हो जाएगा 60, तो 60 क्या होगा, आपका वो नंबर होगा जो 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और 12 से भी होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, राइट, क्या करो, 5 से डिवाइड करके देखो ना, देखो 12 5 60 कट गया जी, ठीक है, 12 से डिवाइड करके देखो 12 5 60 ये कट गया जी, तो समझ आ रहे कि नहीं, तो आपका दिस इज द आंसर। आपको क्या करना है, 5 by 12 का एलसीएम ले लो, और एलसीएम कैसे लेना है, क्योंकि कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, समझ आया, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 By what others will that number be? अच्छा, कह रहे कि 12, कोई भी number 12 से divisible होगा और other किस किस number से divisible होगा? तो simple सी बात है, अगर आपको क्या करना है, factor, right? FACT, factors of 12 लिख दो, तो factor of 12 माने factor किस 12 किस किस number से divisible हो जाएगा उसका factor लिख दोगे, right? तो 12 क्या होगा, 1 से भी divide होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होगा, right? एंड 12 तो वो है ही नंबर, तो दिस इज योर आंसर। मतलब आपको क्या करना है, फैक्टर ऑफ 12 लिख लेना है, 12 को छोड़ करके, है ना, कह रहे व्हाट अदर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, मतलब 12 को छोड़ करके, तो आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, मतलब 12 का फैक्टर लिखना है 12 को छोड़ करके, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टैंड योर नॉट, तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ प्लेइंग विद नंबर का जो है बच्चों एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है,
राइट, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।